चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 समिट की ही बात कर रहे हैं और उसमें भाग लेने के लिए सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत आ रहे हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सऊदी प्रिंस एक और दिन भारत में रुकेंगे। दूसरी ओर उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा करके करारा झटका दिया है। रिश्तों की ये गर्मजोशी जिसने पिछले 10 सालों से सीमा पार पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। सुन्नी बहुल मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज G20 में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्राउन प्रिंस MBS का ये दौरा सिर्फ G20 समिट तक सीमित नहीं है, इसके कूटनीतिक संदेश पाकिस्तान को भी हैं, क्योंकि G20 समिट के इतर सलमान ने अपने भारत दौरे को एक दिन के लिए बढ़ाया है, वो भी तब जब MBS का पाकिस्तान दौरा तय था। पाकिस्तान की यात्रा के स्थगन के पीछे महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में वर्तमान में एक कार्यवाहक सरकार है और किसी कार्यवाहक सरकार की जो शक्तियां उनकी डिसीजन मेकिंग पावर किसी पूर्णकालिक सरकार से काफी कम होती हैं। सऊदी अरब के इस फैसले से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा पाकिस्तान सालों से सऊदी की भीख पर पेट भर रहा है। इससे पहले IMF जैसी संस्थाएं, अमेरिका समेत पश्चिमी देश आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को भीख देना बंद कर चुके हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे उन उपचुनाव में इंडिया गठबंधन और NDA की ये पहली परीक्षा। 7 सीटों पर उपचुनाव का घमासान, आज इंडिया गठबंधन का इम्तिहान। किसकी जीत किसकी हार, 24 से पहले कौन कितना तैयार। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। सबसे दिलचस्प लड़ाई यूपी की घोसी सीट में है। यहां पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच सीधी टक्कर है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड की डुमरी विधानसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया और NDA के बीच कड़ा मुकाबला है। यहां विपक्षी गठबंधन इंडिया की उम्मीदवार बेबी देवी का सीधा मुकाबला NDA की उम्मीदवार यशोदा देवी से है। बीजेपी ने आतंकी हमले के शहीद जगन्नाथ राय की पत्नी तापसी को टिकट दिया है। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से पार्वती दास और कांग्रेस ने बसंत कुमार को मैदान में उतारा है। त्रिपुरा की धानपुर और बोक्सा नगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी के तफजल हुसैन का CPM के मिजान हुसैन से सीधा मुकाबला है। और वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, आगे दिखाएंगे अखंड भारत पर सर्वे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं और ये हवाई जहाज उनका दिल्ली की हवाई पट्टी पर लैंड करने के बाद लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये लोग सब यहाँ पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और अब अर्जेंटीना के राष्ट्रपति यहाँ पहुंचे हैं, अल्बर्टो फर्नांडिस दिल्ली पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक एक करके G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच रहे हैं और अब ये सीधा एक और बड़ी अपडेट। लाइव तस्वीरें दिल्ली के हवाई अड्डे से अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भारत पहुंच चुके हैं। अभी अभी आपने उनका हवाई जहाज देखा और G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भारत पहुंच। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP News आपको रखे आगे।